हेलो फ्रेंड्स, वेब टेक्निकल टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेन जायसवाल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुश नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर कई बार आप लोग ब्राउजिंग करते होंगे तो आपको कुछ इस तरीके से वेबसाइट पे यहाँ पे आपको ये शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा होता है, जिसमें अलाउ एंड ब्लॉक का ऑप्शन आता है। एंड अगर आप मोबाइल पे किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से परमिशन पूछी जाती है, जिसमें कि आपको अलाउ या ब्लॉक का ऑप्शन आता है, सेम एज जैसे वेबसाइट पे आता है। एंड इसका बेनिफिट क्या है और इसको कैसे लगाया जाता है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हैं। एंड अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात आती है कि सबसे पहले कि हमारे को पुश नोटिफिकेशन की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है। अब इस पुश नोटिफिकेशन के बेनिफिट क्या होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपकी वेबसाइट ओपन कर रखी है और उसको इस तरीके का पॉपअप आता है कि शो नोटिफिकेशन का कुछ पॉपअप आता है जिसमें अलाउ एंड ब्लॉक का ऑप्शन होता है। सेम आपके ब्राउजर पे भी आएगा, सेम आपके फोन पे भी आएगा। अगर आप अपने फोन पे खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, एंड फोन डेस्कटॉप पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें क्या होता है, अगर आपका जो यूजर है, जो भी आपकी वेबसाइट ओपन करके बैठा है, वो अलाउ कर देगा, तो इन फ्यूचर जब भी आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी पोस्ट या आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो उसके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इससे क्या होता है कि आपके पास जो आपके SEO से ऑर्गेनिक रिजल्ट आना है वो तो आएगा ही आएगा बाद में, मगर इंस्टेंटली आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। और आपकी वेबसाइट का कंटेंट अगर अच्छा हुआ तो वहाँ पे आपके वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो काफ़ी अच्छा होगा, जिस वजह से आपकी वेबसाइट को इनडायरेक्टली SEO में भी बूस्ट मिलती है। तो इसके होने के काफ़ी सारे फायदे हैं कि इस तरह से आप इसके लगाने से आप अपनी वेबसाइट पे एक ट्रैफिक पे कंट्रोल कर सकते हैं, एक परमानेंट यूजर आप अपनी वेबसाइट के अंदर ग्रैब कर सकते हैं। तो इसको कैसे लगा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमारे को अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना है। वहाँ पे प्लगइन्स में जाने के बाद आपको ऐड न्यू पे करना है क्लिक। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल पुश नोटिफिकेशन लिखना है। तो ये जो फर्स्ट आ रहा है, वन सिग्नल वेब पुश नोटिफिकेशन, देख रहे हैं आप यहाँ पे 1 लाख प्लस इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है। आप इसको यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे करेंगे क्लिक। आपको करना है इसको एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है, पुश नोटिफिकेशन की सेटिंग में जाना है। वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन की इस पर सेटिंग पे आपको करना है क्लिक। यहाँ पर सबसे पहले ये आपको सिंपल बोलेगा कि आपको एक अकाउंट बनाना है और उससे आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिएट वन सिग्नल अकाउंट, इसको हम राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे कर लेता हूँ साइन अप फटाफट। अब मुझे अपनी ईमेल आईडी पे जाना है, वापस इसको वेरीफाई करना है। क्लिक हियर टू कंफर्म। अब सिंपली मुझे यहाँ पे न्यू ऐप, मेरी वेबसाइट जो भी है उसको मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐप नेम मैं यहाँ पे वेब टेक्निकल लिख लेता हूँ एंड क्रिएट। मुझे यहाँ पे करना है वेब पुश पे क्लिक, उसके बाद मुझे करना है नेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ पे मुझे वर्डप्रेस प्लगइन और वेबसाइट बिल्डर पे करना है क्लिक। एंड यहाँ से मुझे करना है वर्डप्रेस पे क्लिक। यहाँ मुझे मेरी वेबसाइट का नाम लिखना है, वेब टेक्निकल टिप्स। एंड यहाँ मुझे मेरी वेबसाइट का URL डालना है जिसपे मैं लगाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ऑटो सब्सक्राइब HTTPS ओनली, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल। माई साइट इज़ नॉट फुल्ली HTTPS, मेरी वेबसाइट HTTPS पे चल रही है, मुझे इसकी कोई वो इशू वाली बात नहीं है। एंड मुझे सेव पे करना है क्लिक। यहाँ पे आने के बाद मुझे मेरी ऐप ID और मेरी जो API की है दोनों मिल चुकी हैं, तो मुझे सिंपल इसको यहाँ से करना है कॉपी। एंड मेरे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाके मुझे इसको यहाँ पे ऐप आईडी एंड मुझे ये जो है मेरा ऐप की API की, ये मुझे यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देना है। उसके बाद एक सफारी की वेब आईडी होती है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फिनिश। अब यहाँ पे मेरे को एप्पल सफारी पे करना है क्लिक। उसके बाद मुझे करना है यहाँ पे सेव। अब ये होने के बाद मुझे सिंपल यहाँ पे एडिट पे करना है क्लिक। एंड मुझे मेरी यहाँ पे जो मेरी वेब आईडी है सफारी की, वो मुझे यहाँ से मिल जाएगी। सिंपली मैं यहाँ से इसको कर लूँगा कॉपी। एंड मुझे सिंपल यहाँ पे इसको यहाँ पे करना है पेस्ट।
और बाकी सब कुछ ठीक ठाक। यहाँ बेसिक जो इसकी होती है वो ठीक ठाक ही होती है। आप इसमें यहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं कि जैसे कुछ लेफ्ट साइड में चाहिए आपको नया पॉपअप, या फिर राइट साइड पे चाहिए बॉटम में, वो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप इसको यहाँ पे आगे एक बार देख सकते हैं। एंड जो मैसेज वगैरह होते हैं वो मैसेज का भी यहाँ पे है कि वेलकम नोटिफिकेशन में क्या जाएगा, जो हमारे एग्जाम्पल नोटिफिकेशन डेस्कटॉप के लिए क्या जाएगा। तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है इसका सेटिंग का, नोटिफिकेशन का कंप्लीट। अब आपको सिंपल इसको कर देना है सेव पे क्लिक। अब यहाँ पे सिंपल इसको कर देना है आपको बंद। एंड अब ये आपका डैशबोर्ड है, जो भी कोई यूज़र होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा, कितने यूज़र आ रहे हैं मंथली, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, सारे डेटा आपको यहाँ पे शो होगा। एंड यहाँ पे आपको ऑडियंस भी आप देख सकते हैं, जो आपकी ऑडियंस आ रही है उसका आईपी एड्रेस, ईमेल आईडी, अगर वो सब्सक्राइब करता है, सब कुछ यहाँ पे आपको एक एक चीज़ दिखेगी। जो भी एक्टिव यूज़र हैं जिन्होंने एंगेजमेंट किया है वो सब कुछ आपको यहाँ से प्रॉपर दिखेगा। अब मैं यहाँ पे ज़रा वेबसाइट को ओपन करके एक बार देखता हूँ कि मुझे कोई नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ये राइट साइड पे ये आ रहा है क्लिक टू सब्सक्राइब द नोटिफिकेशन, मेरे इसमें सक्सेसफुली नोटिफिकेशन ऐड हो चुका है। एंड आपको ये ऊपर के साइड यहाँ पे भी दिखाई देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी मैं दोबारा इसको ओपन करके देखता हूँ इनकॉग्निटो मोड पे। एंड मैं इसको एक बार क्लिक कर एंटर मारता हूँ। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड पे हमारा सब्सक्राइब नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, ये सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन। इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ये वाले स्क्रीन पे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अलाउ ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी ऊपर भी आता है। इसमें कुछ यहाँ पे आपको आके थोड़ा सेटिंग देखनी पड़ेगी, ये जो हमने यहाँ बनाया था ये कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। ये पोजिशनिंग के लिए ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसकी पोजिशनिंग सेट कर सकते हैं, जैसे अभी राइट साइड पे आ रहा है इसको लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहो तो। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन है यहाँ पे सेटिंग में, एक बार आके आप थोड़ा देख लें इसको और इसके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेव कर दिया, अभी मेरी पोजिशनिंग चेंज हो गई होगी और मे भी शायद वो ऊपर वाला ऑप्शन भी इनेबल हो गया इसका। अभी ये राइट साइड में पहले आ रहा था, अभी ये लेफ्ट साइड में हो गया, मैंने वहाँ पे सेटिंग में इसका चेंजेस किए थे। और आपको ये ऊपर वाला जो नोटिफिकेशन आता है उसकी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर भी आएगा। अभी ये फर्स्ट टाइम ये इंटीग्रेट हुआ है तो इसको समटाइम थोड़ा टाइम लग जाता है प्रॉपर इंस्टॉलेशन में उसके, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड में हो गया, ये ऑटोमेटिक ऊपर भी पॉपअप दिखाएगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था आपको ये यहाँ पे ऑप्शन दिखाया था ये वाला। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी नोटिफिकेशन आएगा और आपके मोबाइल स्क्रीन पे भी आप वेबसाइट खोल के देखेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा। एंड इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इससे क्या होता है कि आपके जो ऑडियंस है वो परमानेंट बनी रहती है, जो आपके आर्टिकल्स को एक बार देख लेते हैं उनके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाता है, और अगर वो अलाउ कर दें तो वो आपकी वेबसाइट खोले या ना खोले इन फ्यूचर, जब भी आप कुछ डालेंगे आर्टिकल या कुछ भी पोस्ट डालेंगे किसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, उसके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और वो क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट पे एक परमानेंट सब्सक्राइबर बन जाएगा, परमानेंट एक ऑडियंस बन जाएगी, जिससे आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक की इंक्रीज होगा, आपकी वेबसाइट की बाउंस रेट सुधरेगा और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी प्रॉपर उस आर्टिकल पे इम्प्रूव होगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पुश नोटिफिकेशन सिस्टम पूरा समझ आया होगा। एंड अगर आपको ये समझ आया है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।